कि पीक डे के दिन जो मुख्य मुख्य पर्व हैं, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर के और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक, ये जो अलग अलग पर्व पड़ेंगे जिसमें पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है और शिवरात्रि है, इन 6 प्रमुख त्योहार जो स्नान होंगे, पर्व और त्योहार पड़ेंगे, पीक डे के दिन छोड़ करके शेष अन्य दिनों पर किसी भी श्रद्धालु को 1 किलोमीटर से अधिक पैदल चलना पड़े, 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज, शटल बसेज यहां पे सेवा के लिए लगाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेज लगाई जाएंगी और भी व्यवस्था यहां पर हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने एक भव्य और दिव्य रूप में देखने को मिलेगा। सुरक्षा के लिए भी बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। 0 प्लास्टिक के लक्ष्य को लेकर के प्रयागराज कुंभ को हम लेकर के चले हैं, 0 लिक्विड डिस्चार्ज, किसी भी प्रकार का सॉलिड या लिक्विड डिस्चार्ज माँ गंगा और यमुना में उस दौरान न हो, इसकी तैयारी, और जितने भी ड्रेनेज सीवर हैं ये सब तक तब तक टेप हो चुके होंगे या STF में, इन्हें डाइवर्ट करके या बायो रेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से हम उसे शुद्धिकरण के दौर कर शुद्धिकरण से ही उससे डिस्चार्ज करेंगे। ये सारी सुविधाएं यहाँ पर हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रयागराज कुंभ 2019 ने एक मानक स्थापित किया था, उससे भी बड़े स्तर पर एक भव्य और दिव्य कुंभ को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ के रूप में हमें स्थापित करने में सफलता प्राप्त होगी। इस संबंध में मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा 2019 के कुंभ के, प्रयागराज कुंभ के लिए की सफलता में आपकी भी बड़ी भूमिका थी, इस बार फिर से अपनी सकारात्मक भूमिका के साथ प्रयागराज को और भारत के सनातन धर्म के इस भव्य आयोजन को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में आप सबका सकारात्मक योगदान होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज यहां पे लोगो भी, प्रयागराज महाकुंभ का लोगो जारी हुआ है, सर्वसिद्ध कदा कुंभ का जो 2019 में यहां का लोगो था उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा करके प्रयागराज जो महाकुंभ प्रयागराज 2025 का लोगो आज जारी हुआ है। संतों के साथ बैठे हुए संतों के साथ बातचीत हुई है, बैठक हुई है और सभी लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ कुंभ के साथ जुड़ेंगे। देखिए प्रशासन और शासन की व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी है। कुंभ का आयोजन या इस प्रकार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन वास्तव में सनातन धर्म के पार्ट है और इसका मुख्य आयोजक और इसका जो होस्ट होता है वह संत ही होते हैं और संत ही इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके इसे भव्य और दिव्य बनाएंगे और प्रयागराज को एक बार फिर से हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।